नमस्कार दोस्तों, आज मैंने बनाया है चावल और चना दाल का ढोकला। तो यहाँ पे चावल मैंने हाफ कप लिया है और चना की दाल मैंने लिया है 1 कप। और इनको मैंने रात भर पानी में भिगोया था, सुबह मैं इसको पानी में से निकाल करके इसको मिक्सी में पीस के पेस्ट तैयार करूँगी। और देखिए, हमने अपना घोल जो बना लिया है, मैंने चावल और दाल को मिक्सी में पीस करके एक अच्छा इसका पेस्ट तैयार किया है। मैंने इसको ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना पतला रखा है, मीडियम मैंने इसका घोल तैयार किया है। और 2-3 मिनट मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर, और ये मैंने और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। और ये सॉल्ट हमने ऑन टेस्ट लिया है, तो हमने बस इसको और टर्मरिक पाउडर हमने बस इसलिए डाला कि इसमें थोड़ा येलो फ्लेवर कलर आ जाए। और रेड चिल्ली पाउडर हमने सिर्फ फ्लेवर के लिए दिया है, हल्का इसमें फ्लेवर आए। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मैं इसको कढ़ाई में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, तो यहाँ पे मैं एक जाली रख रही हूँ। और ये मैंने इसमें पानी डाला है, 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये मैंने लिया है अपना केक टिन, जिसमें मैं अपना ढोकला तैयार करूँगी। तो इसे ग्रीस कर लेते हैं, और मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। और इसमें पेस्ट डाल देंगे। और तो पेस्ट डालने से पहले मैंने इसमें पेस्ट में इनो डाला है। इनो से ये हमारा जो घोल है अच्छा इसमें खमीर आ जाएगा और हमारा ढोकला अच्छा सॉफ्ट बनेगा। और हम अब इसमें अपना केक टिन में मैं इसे बनाऊंगी ढोकले को। और इसे हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, और मैं इसे भाप में स्टीम करूंगी, जो कि 10 मिनट के लिए स्टीम करूंगी, और मेरा ढोकला बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, 10 मिनट में हमारा ढोकला बन करके तैयार। अब हमने तड़का तैयार किया, इसके लिए हमने तेल में राई डाल करके और उसमें 1 कप पानी डाला, शुगर डाला, और उसको उबाल करके उसको घोल को हमने ढोकले के ऊपर डाल दिया है अच्छे से, और जिससे ढोकला हमारा सॉफ्ट और उसमें खट्टा मीठा टेस्ट बनेगा। और ये देखिए कितना स्पंजी बना है ढोकला हमारा। और इसके वो किसी भी आप अपने पसंद की सॉस के साथ में सर्व करें और इन्जॉय करें।